मुंशी साहब के पास बैठा हूँ और 10 अवार्ड, नेशनल अवार्ड या 10 अवार्ड, जी 10 नेशनल अवार्ड, 10 नेशनल अवार्ड इन्होंने हासिल किए और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाती। बहरहाल जो भी इनकी फिल्में हैं, मुझे कई फिल्में ऐसी जो मेरे फेवरेट तरीन है, जैसे मुट्ठी भर चावल हुई, सोसाइटी गर्ल हुई और अल्लाह आपको भला करे, ये मजाजन, उसके अलावा भी हम दोनों, कुर्बानी और बेशुमार फिल्में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इनसे मिल के, और मुझे ख्वाहिश भी थी और आज हम यहाँ पर मिल गए अवनी स्टूडियो में। तो और अचानक मुलाकात, अचानक मुलाकात थी, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन देखे ना, कभी कभी ऐसे इंसान अचानक लोग मिल जाते, जैसे मुझे फिरदौस बेगम मिल गई थी अचानक, जिनको मैं पति कब से चाह रहा था मिलना, और सेवन के मेले में आधी रात को मुझे मिली और मैं तो वो हैरान था कि मेले में तो लोग बिछड़ते हैं लेकिन मेले में हमें कोई, हमारी कोई भी चीज़ मिल गई। बाहर इसी तरह मुझे खुशी है कि आज मैं तुलसी भाई के पास बैठा हूँ, तो आज थोड़ी बहुत इनसे बातें शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तुलसी भाई, कैसे हैं आप? कैसे, ठीक ठाक, खैरियत? मेरा खुद बड़ा इश्तियाक से आपसे मिलना है, क्योंकि आपकी इतनी अचीवमेंट है पास्ट के मुतालिक, तो दिल करता है कि फिर आपसे मिला जाए। आप जैसे लोग, मुझ जैसे खाक बंदे को ये इतना कुछ करें, मेरे तो ये अवार्ड है सबसे बड़ा, अगर जैसे इन जैसे लोग मेरे लिए मेरे चाहिए। कहता हूँ कि आपने इतना काम किया, ये हम लोगों के लिए आपका अवार्ड है। तो आपने भी मुझे बताया कि आपकी पहली फिल्म दहकान थी। जी जी, मेरी पहले फिल्म दहकान थी और उसको मैं कराची में, कराची में था, और उसका मुआवजा आपने बताया था कि मुआवजा होता, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना लिया था, लेकिन फिल्म का जब इख्तिताम हुआ तो उन्होंने मुझे 4000 रुपये मुझे दिए थे कि ये आपका बैलेंस पेमेंट है। लेकिन उस वक्त का जो 4000 रुपये था वो भी यकीन करें बड़ी बात थी। तो आप ही ज़रा मेरे देखने वालों को बताइए कि आपकी कौन कौन सी फिल्म है सुपर हिट, या जिसकी आपने एडिटिंग की हो या जो आपको पसंद हो? मुझे तो तकरीबन अपनी सारी फिल्में यहाँ पसंद है, यकीन करें, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के हर डायरेक्टर के साथ काम किया, जो भी यानी कि मेरे दौर में आया ना जी, मैंने उसके साथ काम जरूर किया। सैयद नूर साहब वगैरह ये पसंद है, किस्म के फ्रीक हो गए ना मेरे, उससे पहले परवेज मलिक साहब के साथ मैंने काम किया, नजरुल इस्लाम साहब के साथ किया, अमीर रशीद साहब के साथ काम किया, संगीता बेगम के साथ, संगीता बेगम तो खैर हमसे स्टार्ट लिया सोसाइटी गर्ल से। और मुझे जिंदगी का जो सबसे पहला अवार्ड मिला वो मुट्ठी भर चावल का मिला, वो निगार अवार्ड। बस इस तरह सिलसिला। मैंने फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में जो की हैं वो तकरीबन 300 के करीब हैं। अच्छा। और ये पता नहीं कैसे हो गई, मैं आप सोचता हूँ कि आप अगर 100 करना चाहें ना तो 100 नहीं कर सकते, लेकिन ये उस वक्त काम ही इतना ज़्यादा था, और यानी कि सुबह आना मुझे नूर से अक्सर कहा करते थे, यार मुझे पता नहीं लगता, मैं जब यहाँ से जाता हूँ तब भी तो यहाँ होता है, जब मैं सुबह आता हूँ तब भी तो यहाँ होता है। तो आपको तो घर ही हो गया। मैंने जिंदगी का 75% जो है ये स्टूडियो में गुजारा, और 25% जो है वो ये समझे मेरे हम उम्र ही ये भी सब नए नए और नए पास कर रहे, फिर फिल्में भी की इनकी, ओके सर, एक तेरे प्यार में कौन फिल्म की देखिए देखिए उसको ढूंढ लो यार, उसको मोहम्मद आने की पहली फिल्म वो दीवाने तेरे प्यार, वो दीवाने, अच्छा आप वो दीवाने प्यार, मैं कह रहा हूँ तेरे प्यार, तेरे प्यार, हाँ ये भी उसमें हाथ से हाथ क्या गया वो जारा शेर, जारा और बेनमर वो पहली फिल्म। अच्छा एक बात है, एडिटिंग करते हुए कभी आपको लुत्फ आया जैसे काम भी ऐसा होता है ना, एडिटिंग करते हुए लुत्फ चाहिए काम है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे सीन मुकाल में ऐसे होते हैं कि जिसको आप थोड़े, ये तो पता है आप अपने काम से इंसाफ करते हो ना कि जो भी है सबके लिए अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे बहुत मज़ेदार आपको लगा होगा यार, ये मज़ेदार कई गाने पड़े कई सीन एडिट करते हुए ड्रामेटिक कई साइलेंट सीन एडिट करते हुए बड़ा मजा आया, थोड़ा डिफिकल्ट था। जी बताएं कि आपको ये जैसे एक शौक होता है एडिटिंग का, इसी शोबे में आए किस तरह आए?
कोई और शुगर में जा सकते थे आप माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी हीरो भी आ सकते थे। अभी मुझे एकदम से लगा जैसे मैं असद बुखारी से मुखातिब हूँ, क्या मुझे कई लोग समझते हैं आप मैं एकदम से बात करते करते असद बुखारी से बात कर रहा था ना, तो वो एकदम से मुझे लग रहा शायद मैं कहीं वहीं तक ही मैं उसमें पढ़ता था नाइन्थ में। मामू तो मेरे दोनों काम करते थे यहाँ पर, छोटे मामू की डेथ हो चुकी थी लेकिन अजमल साहब उससे पहले थे। लेकिन मेरा एक और कजन था मामू का बेटा रहमत है, वो एडिटर भी था फिर बाद में डायरेक्टर बन गया। रहमत अली वो जिनकी फिल्म थी जुर्म इंसान, सोना गुप्ता, सोना गुप्ता, वो सुधीर साहब की थी शायद, नगमा सुधीर, इकबाल हसन साहब थे। अच्छा, और वो भी अपने ज़माने के ना बड़े टॉप थे, जिन्होंने फिल्में एडिट की, नागमणी, आसरा, अच्छा, टाइगर गैंग, बर्फी, वाह, ठीक है। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये स्कूल जा रहे हैं ना ऐसे नहीं आवाज ना हो जाए, तो मेरे भाई ने तुम इसको पप्पा आप ऐसा करें कि आप इसमें मेरे पास भेजिए, तो मैं स्कूल से पढ़ के आना और उसके बाद यहाँ और यहाँ से रात हो जाना, इसी तरह मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक के बाद फिर हालात ही नहीं बने आगे पढ़ने के और मैं कराची चला गया। हालांकि मुझे एक बार पता नहीं लगा कि पढ़ो तो लेकिन खुदा को कुछ अल्लाह को कुछ और ही मत देख कर, हालांकि मैं जब वहाँ गया हूँ तो कोई वहाँ पर कुछ 16-17 लड़के थे सीनियर मोस्ट से, लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त मैं ही हूँ, बाकी मुझे कोई नजर नहीं हो समझे। कराची का आखिरी चश्मा चराग में रह गए, लेकिन ये मैंने अपने मेरे उस्ताद भी बड़े फख्र से कहा करते थे इसे ही कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में एक ही शागिर्द बनाया और वो देख लो लाहौर में कैसा था। अभी ये भी ये सईद साहब जो थे वो अहमद रशीद साहब के भतीजे थे। अच्छा, अहमद साहब के भतीजे जी, हालांकि मैं देखे अपने भाई के पास भी आया लेकिन मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ जिससे जिसने मुझे नाम सिखाया, उस्ताद है जो मेरा उसे बड़ा नुकता सीखा, जिसने मुझे इसरार और रमूज सिखाया, हर चीज़ बताया कि यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसी ऐसे नहीं है ऐसे। तो कुल कितनी फिल्में हो गई यहाँ मेरी? कोई 300 के करीब हो चुकी हैं फिल्में, उर्दू पंजाबी सब, उर्दू पंजाबी पश्तो भी आ गई, फिर हमने गुजराती फिल्म भी की थी कराची में माते माँ, तो पाकिस्तान की पहली गुजराती, पहली गुजराती, तो इसका मतलब है कि आपको तो ये दूसरी भाई को तो ये भी एजाज हासिल है कि पाकिस्तान की पहली गुजराती फिल्म की एडिटिंग इन्होंने की है, ये मैं समझो सबसे मुनफरिद एजाज है। शाइस्ता कैसर थी और शाइस्ता कैसर था और लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, मुझे जहन भी नहीं आ रहा, बस वही फिल्म थी स्टार्ट के तौर पर, ये मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, फिर हमने वहाँ एक फिल्म और की थी शाइस्ता कैसर की, वो तारिक अजीज साहब ने बनाई थी, उस वक्त तारिक अजीज का दफ्तर मॉडर्न स्टूडियो में था, रजाक साहब उसके कैरेक्टर थे। फिर गालिबन उसी फिल्म में नाम पता नहीं, फिर वो मंगी के साथ पता नहीं उसकी शादी वादी हो गई। आपको याद है फिल्म कौन सी तारिक अजीज साहब उसका कोई माँ मुझे याद नहीं आ रहा उसका, मुझे लग रहा उस शीशे का कोई, मुझे लग रहा शायद वो फिर मुकम्मल नहीं हुई या मुकम्मल नहीं रिलीज नहीं हुई, मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हुई, कुछ इस तरह का चक्कर था, इस तरह का चक्कर था, क्योंकि मैंने ये भी सुना, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो की तारिक अजीज साहब मॉडर्न स्टूडियो में तारिक अजीज साहब का दफ्तर था और रज्जाक साहब उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने तो शायद साजन रंग रंगीला भी की, मुमताज, तारिक अजीज साहब ने फिर कितनी बार देखी होगी। अच्छा अच्छा, ये दूसरी बात ये बताइए कि इतने आपने मारूफ और हमारे सुनहरे लोग थे उनके काम किया, इंसान को डिस्टर्ब करते
मनीषा पसंद बड़ा है, उसके बाद मजा सबके साथ आया है परवेज राणा, उनके हाल जानो जुम्मन साहब ने सारे काम किए, हांगकांग के शोले, बैंकॉक के चोर, मनीला की बिजलियां, पूरा लाट किया मैंने उनके साथ, तीन यके तीन छक्के। मैं तो बहुत हैरान हूँ आपका सुन के, मैं तो सलाम करता हूँ आपको, जैसे फिल्म में आपने नाम रखे जैसा आर्मी जासूस, यानी तो हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है। अच्छा तो उस साहब का काम मन करने का बड़ा मजा है, क्योंकि वो भी इतनी वैरायटी देते हैं एडिटर को, अभी एडिटर का कमाल है उसमें से उसमें होगा। तो कल के काम जो आपने फिल्म में किए, फिर बाकी भी किए, जैसे मजा जंती आ गई और शहर का अलग हो गई, लेकिन तो आप क्या फर्क लगता है अपने काम में या मौजूदा दौर के तब्दीली में? मौजूदा दौर में काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों कराची जाने का तौफा हुआ, वो फिल्म मैंने की एक आज़ादी, और वो फिल्म की भी इसलिए थी कि मैं परवेज मलिक साहब का काम किया करता था, तो इरफान मलिक साहब और इमरान मलिक साहब, उन्हें भी पता था कि ये हमारे फादर के जमाने का है, और मलिक साहब से बड़ी मेरी एसोसिएशन थी और उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा भी है, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया तो मैं किया था वहाँ काम करता था शार्प इमेज में, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं मेला में, फिर मैंने उनके साथ काम भी किया है, कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे सीखा होगा, थोड़ा बहुत मैंने उनसे कुछ सीखा होगा, क्योंकि सीखने का मतलब जारी रहता है। मैं जब पहली दफ़ा आया तो घर जाके मैंने अपनी वालदा को कहा कि वो कोई काम है, मैं काट काट के जुड़े जा रहे हैं फिल्म को, काट काट के जुड़े जा रहे हैं, एक महीने में सीख लेंगे, वो एक महीना आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसको आप यकीन करें एक महीने में सीख लूंगा, वो यकीन करें कि वो एक महीना आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसको आप कह रही कोई काम, ये भी काम में कर लूंगा आज तक नहीं, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मैंने भी अपने काम में कभी कोताही नहीं की, मेरी कोशिश होती है कि मुझे जितना काम आता है वो मैं ज़रूर इसका करूँ, यानी कभी अपने काम को डफराया नहीं, कभी ज़िंदगी में मैंने छुट्टी नहीं की, मतलब आप काम से इतना प्यार, आप बता रहे हो घर 75% या 25%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या मोहब्बत होगी। अच्छा एक बात, और ये मोहब्बत ये है कि मैं आज यहाँ का जन्म मैनेजर। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि आप तो करते ही एडिटिंग अपने काम से, इंसान तो कभी मुतमईन ही नहीं होता कि मैं ऐसे कर लेता वैसे, इसी काम में कि दूसरे शोबे में कौन से जो बर्ड हैं जिनको जिनका आप काम देखने करते एडिटिंग जरूर तो कौन सा मतलब एडिटिंग के शोबे में आप अपने बाद आप किसके काम को सराहते हैं आपको? मुझे लगता है मेरे पास कोई है ही मैनुअल काम में, वैसे तो बड़े लड़के आए हैं काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कराची का लड़का रिजवान एक्यू वो अच्छा काम कर रहा है, मेरे साथ एक लड़का बैठा था आरिफ वो बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मैनुअल काम तो किया नहीं, लेकिन मैनुअल काम बड़ा डिफिकल्ट काम था, अब तो आप फौरन शॉट जोड़ के उसका प्रीव्यू कर लेते हैं, वो तो आपने वैसे काटना और एंड के दिनों में तो लोग बजट के चक्कर में उसका गाइड ट्रैक ही ट्रांसफर नहीं करते, हम तो साइलेंट एडिट करते रहे, मैं आज़ादी को भी साइलेंट एडिट कर गया विदाउट साउंड। अच्छा लेकिन वो भी है कि वो एक एक्सपीरियंस है अपना आपका तजर्बा था ना, थोड़ा कैसे क्या हो जाए किस तरह करना आपको ही पता होगा। तो अब ये बताइए मुझे कि आपने कैसा सुनहरा दौर देखा है कि जिसके जैसे फिर अपने बचपन की बात बताऊँगे क्या देखें, तो आप तो कहाँ से कहाँ क्या कुछ नहीं किया, एक वो दौर था एक वो आज के मौजूदा दौर देख के आप सुधा होते हैं क्या, दिल दुखता है क्या आपके? दिल दुखता है कि यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा लाहौर में, और जो हो रहा है वो बड़ा बुरा हो रहा है,
यहाँ पर भी सारे मसलन देखे ना फैसल बुखारी साहब ने फिल्म बनाई ब्लाइंड लव गोल से शान साहब ने अर्थ बनाई वो भी गोल से शहजाद रफीक साहब ने सरयू बनाई वो गोल से सैयद नूर साहब ने ये बनाई क्या कह सकते हैं पता नहीं क्या इन लोगों से पताइया हो रही है। अभी आपने मैंने आपसे पूछा कि भाई क्यों नहीं चल रही तो आपने भी दिक्कत होता है हालांकि ये सारे बड़े जबरदस्त फिल्में बनाने वाले हैं लेकिन सैयद नूर साहब ने कैसे कैसे लाजवाब फिल्म कैसे उनकी फिल्म भी एक दो दिन जरिए सुना शान साहब शान साहब मेरे ख्याल में इंडस्ट्री का सबसे जहीन आदमी है लेकिन सुना कि उन्होंने भी सारी फिल्म अंग्रेजी में बना दी है मेरे पास यहाँ एक दिन परवेज करीम साहब बैठे थे कहते हैं वो मैंने अपनी फिल्म के लिए एक सीन लिखा तो उसमें एक मैंने लफ्ज़ ऐसे लिख दिए सीन में एक बंदे ने तो मुझे बड़ी दाद दी लेकिन बाकी सारे लोगों ने इसका क्या मतलब है कहते मैंने वो सीन फाड़ दिए तो मैंने फौरन उन्होंने कहा तो मैंने कहा आपने मशवरा शान साहब को क्यों नहीं दिया उन्होंने अपनी 80% फिल्म अंग्रेजी में बना दी आपको मशवरा देना चाहिए था ना कि यहाँ लोग अंग्रेजी समझते ही नहीं थोड़ा सा आप रखें जरूर उसमें लेकिन ज्यादातर फिल्म तो लोगों को समझ में आए कि आप क्या बना रहे हैं क्या कराची वालों की जो फिल्में चल रही हैं ज़ाहिर है लोगों को उनमें कोई ना कोई बात है लोग ऐसे नहीं फिल्में देखने जाते और अच्छी फिल्म तो आप किसी जंगल में भी लगा दो लोग वहां भी चले जाएंगे बशर्ते कि फिल्म आपकी अच्छी हो अच्छा जल्दी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपने कुछ अपनी यादें शेयर की और मैं तो बहुत हैरान हूँ मैं तो आपके काम से बहुत मुतासर भी हूँ और मुझे आपका काम पसंद जो फिल्मों के नाम आपने बताए और ये है कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मुलाकात रहेगी और ये इंशाल्लाह ताला आप मेरे देखने वाली मूवी के लिए जो है बहुत जल्द यूट्यूब पे देखेंगे और जिन जिन फिल्मों का इन्होंने जिक्र किया है उसके मैं क्लिप्स भी आपको इसमें दिखाऊंगा। एक और फिल्म मैं आपको बताऊँ बात आप खत्म कर रहे हैं एक फिल्म मैंने की सल्तनत फैसल बुखारी सल्तनत वो कोई 23 एपिसोड थे उस ड्रामा बना था वो अच्छा 23 एपिसोड को मैं 2.5 घंटे में ले गया और एक एक घंटे के 23 घंटे के उस एपिसोड से और इतनी महारत है कि वो मैचिंग उसको पूरा मैंने एक लिंक दिया और सैयद नूर साहब ने मुझे उसके ऊपर एक कमेंट दिया था कि पूरे पाकिस्तान में वाह तू बंदा आ गया था जड़ा काम का सर दस कोई नहीं मुझे अच्छी तरह याद है पूरे पाकिस्तान में तो खेला निकल गई देखो सब पता है ना आप काम करने वाले लोग हैं वो भी पता है कि भाई कौन बंदा है क्या है उनको खैर बड़ा तो बिल्कुल भी जबरदस्त फिल्म नहीं है जनाब अब हमारी नहीं चल रही तो पता नहीं क्यों नहीं चल रही यहाँ पर आजकल जो छोटे बजट की बन रही है वो तो समझे और अल्लाह ताला ने ना वो कहा है ना कि रिस्क देने का वादा किया वो समझे कि उन लोगों के लिए ना अल्लाह ताला एक रिस्क का वसीला बनाया हुआ है इनका दाना पानी लगा हुआ है तो बाकी नए नए लोग हैं हमें हमारा तो खुद ऐसा काम करने को मिलेगा क्योंकि ऐसा काम करके अपना नाम ही नहीं ना कमा सकते जो एक नाम बनाया हुआ है उसको ऐसे ना ही अल्लाह करे कि ये लोग अच्छी फिल्म बनाए तो आएगा वो सुनहरी दौर जरूर आएगा सुनहरी दौर मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे दौर में वो दौर आ जाए भले हम काम ना करें काम और लोग करें सारी उम्र हम लोगों तो हम लोगों ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना इसे अब हम ये गिला करें मैं ये गिला करूँ यार काम नहीं है मैंने कभी ये गिला नहीं किया भाई हमने तो अपनी यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा काम किया बिल्कुल
और ना हमको अब ये गिला करना चाहिए कि हमें और कुछ काम नहीं है। भरपूर काम हमने भरपूर देखा, हमने तो वो दौर देखा जो लोगों के लिए खाब है। जो आपने नाम बताया मैं तो खुद हैरान हूं, बल्कि कितने का भी नाम आप बोल ही रहोगे जबकि आप कह रहे हैं कि 300 के करीब। जी जी बिल्कुल। तो कितने नाम होंगे जब लिस्ट बनेगी तो फिर बात जी की बात। बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो जाता। आपके अपने कौन से जैसे कोई जिसकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगती हो आपको? मैंने तो अपनी तरफ से हर फिल्म का ऐसा काम किया, जितना मुझे आता होता मैंने जरूर किया। एक आपको एक होता है ना फेवरेट होता है यार, जैसे हम आर्टिस्टों का करते हैं। मेरी देखे मेरी मजाजे बड़ी जबरदस्त है। ओहो मेरी चूड़ियाँ बड़ी जबरदस्त है, मेरी इंसानियत के दुश्मन बड़ी जबरदस्त है, मेरी लाका बड़ी जबरदस्त है, मेरी कुर्बानी बड़ी जबरदस्त थी परवेज वाली सर, नदीम शर्मा क्या मेरी हम दोनों बड़ी जबरदस्त। वाह क्या नाम है। मेरी पहली फिल्म मुट्ठी भर चावल बड़ी जबरदस्त है। मुझे तो याद नहीं मिला नाम भी जरा। तो पहली फिल्म तो पश्तो थी आपकी जी? बद्र मुनीर साहब ने मुझे चांस दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने की सोसाइटी का वो की तो मेरे उस्ताद ने ऐसे, लेकिन तो काम मैंने किया। पर उसके बाद तो मुट्ठी भर चावल से बोलना स्टार्ट हो गया। क्या बात है, मेरी फेवरेट फिल्मों में मुट्ठी भर चावल जो आपने नाम बताया ना तकरीबन सारे बार जब आप 10 दफा नेशनल अवार्ड लिए। घर कब आओगे, तेरे प्यार में, दीवाने तेरे प्यार के, मुझे जान चाहिए, दुपट्टा चल रहा है, नूर की तो तकरीबन सारी फिल्म। क्योंकि नूर और मैं तो वहाँ सोसाइटी कर में इकट्ठे थे ना, वो चीफ मिनिस्टर भी था उसमें। अच्छा उसमें कौन सी मुट्ठी भर चावल में? सोसाइटी कर। सोसाइटी कर बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक मैगजीन, वहीं से मेरी उसकी दोस्ती स्टार्ट हुई। अच्छा मेरे पास एक मैगजीन है फिर सारी कसम नूर के साथ तो चाहिए थोड़ी एसोसिएशन रही, लेकिन मजाज है मुझे बड़ी पिछले दिनों एक फिल्म करने आया था आजादी। अच्छा तो कभी आप आए ना तो हमारे हमारे घर से तशरीफ लेकर आना, तो आपको कार्ड दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर भी आई थी, जो खुशी होगी जो भी मैं भी फिल्म की आवाज़ से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। नहीं मैंने बड़ा पढ़ा है आपका, यकीन करें मुझे मंजूर को जब देखते हो सही अपनी कलेक्शन देख रहे हैं। मुझे वो भी आए थे ना मेरे घर पे, मैंने पढ़ा है। बहुत मैं तकरीबन बहुत आर्टिस्टों को अपना कलेक्शन दिए फिल्म बड़ी नहीं हमारे ये तो था थोड़ा हमारी फिल्म की कोई बात ही अलग नहीं बड़ी तो वक्ती तौर पे एक ये मैंने एग्जीबिशन की थी इस्लामाबाद की एम्बेसी में। अच्छा अच्छा। तो स्विट्जरलैंड के सफीर आए थे तो इन्होंने मेरे काम को बड़ा सराहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जावेद जब्बार साहब आए थे कमर्शियल्स बनाए थे जावेद ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर गया हूँ कोई 69 से 73 तक मैं रहा हूँ ईस्टर्न और मॉडर्न में मैं काम करता हूँ। उस वक्त हमने वहाँ फिल्में की इंसान और गदा, हनीमून, चांडू की घूंघट लाए कुंवार, रूप बहरूप, आखिरी हमला, रिमझिम सब कराची की फिल्म नहीं सारी, हमारे इधर रिचार्ज साहब की गुड़िया जलेना तो जलेना क्यों परवाना, फिर हमारे हमने फिल्म की वहाँ नादान नदीम शर्मा निशो वाले गोपी की वो फिल्म जब हमारी हिट हो गई ना तो फिर समझे हमारा पूरा काफिला जो था वो बड़ा जी वालेकुम सलाम। अच्छा फिर आके फिर यहाँ मैं यहाँ हमारी फिल्म शुरू होगी फूल मेरे गुलशन का, मोहब्बत जिंदगी है, पर्दा ना उठाओ, नदान के बाद उनकी अनहोनी शुरू हो गई,
बहुत फिर ऐसा फिर हमने एक शिकंजा डाला फिर यहाँ पर कब्जा कर लिया। गुड़िया फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई? गुड़िया पता नहीं क्यों नहीं रिलीज हुई हमारे लिए, शायद अपने कनाडा में जी बहुत बीमार है। अच्छा आप अपने कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है कोई यहाँ पर? कुछ लिखी हुई है मैंने। अच्छा कुछ बुकलेट्स वगैरह रखी हुई फिल्म? जी जी बुकलेट्स वगैरह तो मैंने तकरीबन काफ़ी रखी हुई हैं, लेकिन कुछ मिसप्लेस भी हो गई हुई है। स्टार्ट भी मैं कभी इतना वो ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया और टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि काम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किए। ये अभी हाल किए ये मेरे घर में उठाना करो भी उसको नहीं हुई थी रोग की सवाद हमने वहाँ की। अच्छा इसमें थे वो दुखी प्रेम नगरी साहब। बिल्कुल 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 क्या ठीक है ये होते हैं। ये फ्रांस की वो है एम्बेसडर आई थी मेरे घर पे में, तो इन्होंने मेरी नुमाइश करवाई थी। देखो हमारे जो लोग हैं ना वो कितने बस हमारे जो थे ना ये तो मेरी ये उन्होंने मेरी दावत की थी। क्या नाम है साइम अली ये जो है ये मेरे और मैं हैरान हो गया लोग साहब ने जिक्र ही नहीं किया मेरा आपके साथ। वो तो आदमी बड़ा खुश होते हैं। क्या है ये हजी पादरी हैं उनके लिखे ना चले जाते आते एक गिफ्ट मिल गया आपको। हाँ देखो मिल गया कुछ रह गया तो ये सब मेरे घर की है। जी जी पता लग रहा है आपकी लाइब्रेरी नजर आ रही है। ये मकारा है ना? जी जी चांडोली में यही है वो भी थी ना क्या नाम चकोरी बेगम। चकोरी बेगम नहीं लेकिन ये मेन हीरोइन है। ये कहें जी चकोरी को लाने वाली मैं हूँ हो सकता है वो लाई पर उस वक्त मुझे बड़ी पसंद थी। अच्छा थी भी तो कितनी खूबसूरत वो मैं क्या गर्ल सुन रहे याद है आप। ये रजिया बेगम के बारे में लोगों ने कहा मर गई जेल में 10 साल कैद एरवन के चक्कर में। हाँ लेकिन मुझे जिंदा सलामत अभी मैं परसों गया था नहीं कि मैं अकमल और अजमल का भांजा भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह सगे भांजे उनके जी। ये जो आपके बन रही है ना ये एक फेस्टिवल बन एक फेस्टिवल तो मैं तो पता नहीं पिक्स नहीं नहीं वो वीडियो बन रही है ये तो उनकी एकेडमी की है। सही है ये मेरी घर की है ये। फिर बाद में इन्होंने इनसे मेरे काम की तारीफ की उन्होंने कभी मैं कदर करती हूँ ऐसे लोगों की आप मेरे भाई लोग बहुत इज्जत की हम यहाँ आए वही यादें शेयर कर रहा था कि मैं इतने साल पहले यहाँ आया ये मेरी लंदन में नुमाइश की थी सभी महमूद उनका मर्डर हो गया ना उन्होंने की थी मैंने मैं भी चाहता था मैं इंटरव्यू वहाँ उन्होंने स्क्रीन पे चलाया था। अभी शाकिर भाई भी आए हुए थे ना दो तीन दिन मुलाकात हुई थी आप मुलाकात मेरी हुई लेकिन वो आए हुए थे ये मैंने तेरे पसंद था आपको बुलाया इनकी मैंने बड़ी फिल्म जबरदस्त की थी इनको अवार्ड मिला है ना नेशनल अवार्ड
अच्छा उसी का मैंने इनको पोस्टर गिफ्ट किया है ना इसमें। बाकी जनाब आपके तमाम देखने वालों को मेरा सलाम है और आपको ज़्यादा सलाम है ना कि आपने इतनी आपकी जो स्ट्रगल है आपकी इतनी जो मेहनत काबिश है वो आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएँ। मैं देखने इतने बड़े मैं क्या बोलूँ फनकार आर्टिस्ट जो अपने काम के बादशाह वो मेरे लिए ऐसी बात करें इससे बड़ा अवार्ड इससे बड़ा मेरी खुशनसीबी क्या होगी। अल्लाह इनको सलामत रखे सेहत दे ज़िंदगी दे कामयाबी दे जब तक की ज़िंदगी है सलामती के साथ हो जैसे अल्लाह राजी हो अल्लाह वो ज़िंदगी हमें बात करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई ठीक है। अक्सर फिल्मों में जो है ना इस गेट को जरूर दिखाया जाता था तो क्या ये गेट ही बहुत हमारा गेट जो है ना यहाँ का एक याद भी है और एक बहुत मतलब एक जगह है एवेन्यू के हवाले से पहले तो यहाँ अंदर भी नहीं आ सकता था ऐसा ज़माना यहाँ से सवार यादों के साथ दूसरे भाई से इजाज़त चाहते हैं कि इन्होंने इतना टाइम दिया और अपनी यादें शेयर की। आप हैं इस काबिल यकीन करें आप इस काबिल हैं।